सभी का आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। सुनो यूपी में यूपी की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ मंडल में 4 जनसभाएं करेंगे। बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ और गाजियाबाद में जनसभा होगी। दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होना है और उससे पहले चुनाव प्रचार का दौर जारी है। निकाय के दूसरे चरण के प्रचार में जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मेरठ मंडल में 4 जनसभाएं होंगी मुख्यमंत्री की। बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ और गाजियाबाद में मुख्यमंत्री जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज 4 जिलों को कवर करने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ताबड़तोड़ प्रचार का दौर जारी है। 9 मई को प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले कोशिश यही कि बड़े दायरे को किस तरीके से कवर किया जाए और इसी में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुटे हुए हैं। आज मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिमी यूपी का यह दौरा मुख्यमंत्री का बेहद खास रहने वाला है और मेरठ इसलिए भी खास क्योंकि पिछले निकाय चुनाव में भाजपा को मेरठ से हार का सामना करना पड़ा था। अब आपको बताते हैं कि मिशन पश्चिम सीएम योगी का क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको पूरी जानकारी इसके बारे में देंगे। पश्चिमी यूपी का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, 4 जिलों में मुख्यमंत्री की जनसभाएं और पश्चिम यूपी पर खास फोकस क्यों है, पश्चिम यूपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मिशन मुख्यमंत्री का किस लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसकी पूरी जानकारी भी हम आपको देंगे। देखिए, मेरठ वही सीट है जिससे पिछली बार भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब देखिए भाजपा के लिए पश्चिम यूपी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम यूपी की महत्ता बहुत ही ज्यादा है। मेयर की सभी सीटों में मेरठ सबसे ज्यादा अहम है। मेरठ भाजपा और संघ का बड़ा केंद्र है, भाजपा का मेरठ पर सबसे ज्यादा फोकस है। सीएम योगी मेरठ से 2024 का संदेश भी देंगे। 1995 से 2017 तक भाजपा के 2 बार मेयर यहां पे बने हैं। 1995 से 2017 तक बसपा के 3 बार मेयर यहां पर बने हैं। मेरठ से कभी भी सामान्य वर्ग का कोई मेयर नहीं बना है और यही वजह है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और खास तौर पर निकाय चुनाव के भी मद्देनजर जो मेरठ की सीट है, मेरठ निगम की सीट है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी सनुज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सनुज, 2017 के निकाय चुनाव में मेरठ निगम से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। मुख्यमंत्री आज पहुंच रहे हैं, 4 जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां, किस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है और कितने बजे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती पर आना हर तरीके से अहम है, चाहे 2024 को लेकर ले लीजिए, चाहे निकाय चुनाव को ले लीजिए और चाहे कहीं ना कहीं अपने मतदाताओं में और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने को ले लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ मेरठ के जिमखाना मैदान में आएंगे और यहीं से मुख्यमंत्री गरजेंगे। हापुड़ मुख्यमंत्री को आना है, मेरठ मुख्यमंत्री को आना है, बुलंदशहर मुख्यमंत्री को जाना है, गाजियाबाद मुख्यमंत्री को जाना है, तो आज पूरे मेरठ मंडल की घेराबंदी मुख्यमंत्री कर जाएंगे। पूरी कोशिश है, क्योंकि देखिए मेरठ मंडल की बात कर लें तो मेरठ नगर निगम की बात हो या गाजियाबाद नगर निगम की बात हो, दोनों नगर निगम बेहद महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए और सबसे ज़्यादा मेरठ नगर निगम महत्वपूर्ण है। 2017 में तमाम कोशिशों, तमाम प्रयासों के बावजूद बीजेपी को सफलता नहीं मिली और यहाँ पर बीएसपी की महापौर सुनीता वर्मा यहाँ पर महापौर बन गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी पूरी ऐसी घेराबंदी करने जा रही है और अपने पुराने मेयर यानी हरिकांत अहलुवालिया पर फिर से बीजेपी ने दाव खेला है। पूरी कोशिश की जा रही है कि इस बार महापौर की कुर्सी पर बीजेपी कब्जा कर ले। पूरे उत्तर प्रदेश के 17 निगम हैं और 17 नगर निगमों में बीजेपी ये चाहती है कि 17 नगर निगम उसके हो जाए। पिछली बार 2017 की अगर हम बात करें तो 16 नगर निगम थे जिसमें से मेरठ और अलीगढ़ बसपा के खाते में और बाकी सारे बीजेपी में थे, लेकिन बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप करना चाहती है। हमारी भूपेंद्र चौधरी से बात हुई थी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका कहना था कि सारे नगर निगम जीतेंगे और अधिकांश नगर पंचायत और नगर पालिका भी जीतेंगे, यानी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां पर किया गया है 17 के 17 निकाय जीतने का, निगम जीतने का, लेकिन किस तरीके से कोशिश रंग लाती है। लेकिन सनुज ये बताएं, जिस जगह पर आप मौजूद हैं उसी जगह पर मुख्यमंत्री की जनसभा होनी है, तो कितने बजे का कार्यक्रम है, कितने बजे मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे और कौन उनके साथ और नेता मौजूद होंगे?
देखिए बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी आ रहे हैं और तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और पूरी कोशिश करी जाएगी कि जैसे भी हो यहाँ से चुनाव को एक ऐसी धार दी जाए कि बीजेपी के सामने कोई यहाँ पर टिक ना पाए। ये देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री के आज मेरठ आगमन को लेकर करीब 1:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और उनके आगमन को लेकर देखिए किस तरीके से यहाँ लोग उत्साहित हैं। बाकायदा यहाँ पर रंगोली बनाई जा रही है, चूँकि बीजेपी का निशान फूल है तो बीच में फूल बनाया गया है, पूरा मंच तैयार है, पूरा जो स्थल है वो पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार कर लिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा जो जातीय समीकरण है उसको साधने की कोशिश शुरू से हमेशा बीजेपी करती है। सबको साथ लेकर चलना, सबके साथ सबके विकास की बात की जाती है और उसकी झलक आज यहाँ मंच पर भी दिखेगी कि जब तमाम जो मंत्री हैं, तमाम विधायक हैं, तमाम सांसद हैं, यानी यहाँ से मेरठ से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। चूंकि पहले चरण का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है और उसमें जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल आया है तो बीजेपी उससे उत्साहित है और अब दूसरे चरण का जो मतदान होना है 11 को उसको लेकर आज यहां से पूरी धार दी जानी है। हरिकांत अहलूवालिया बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर तमाम सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, बूथ स्तर तक पूरी एक बड़ी प्लानिंग यहां पर की जा रही है। सबको कह दिया गया है हर हाल में ये बार ये सीट चाहिए और ये सीट जब जीतेगी बीजेपी या कोई और जीतेगा या किसी से शिकस्त खाएगी या किसी को शिकस्त देगी, ये तमाम सवाल भविष्य के गर्त में छिपे हुए हैं। लेकिन आकलन जरूर होगा कि कौन कौन लोग चुनाव यहाँ पर लड़ा रहे थे, उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड बनेगा और उसके बाद बहुत सारी चीजें बदलेंगी भी और शायद उसी बदलाव को लेकर पश्चिम में बीजेपी के पक्ष में बड़ा बदलाव मुख्यमंत्री आ रहे हैं इस तरीके के दावे कर रहे हैं। जनता किसको ये जनाधार देती है देखना होगा। धन्यवाद आपका सनू जानकारी देने के लिए। आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने इटावा में डेरा डाल दिया, गली गली घूमकर सपा प्रत्याशी ज्योति गुप्ता के लिए वोट मांग रहे हैं। दरअसल इदरीस अंसारी की बहू का टिकट सपा से कटते ही बसपा से उन्हें टिकट दे दिया गया। अब इसके बाद शिवपाल ने इटावा में डेरा डाल दिया। इसी दौरान उन्होंने पहले चरण में निकाय चुनाव में सपा की जीत का दावा और केशव प्रसाद मौर्य को बड़बोला मंत्री बता दिया। तो देखिए शिवपाल सिंह यादव का किस तरीके से फोकस है, खासतौर पर मुस्लिम इलाकों में ताबड़तोड़ प्रचार का दौर जारी है। राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव और ताबड़तोड़ रैली प्रचार वो भी कर रहे हैं, जुटे हुए हैं लगातार। और देखिए इटावा नगर पालिका की सपा उम्मीदवार के लिए उन्होंने प्रचार किया, इसी दौरान उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य पर भी तंज कसा। जीत का दावा वो करते जरूर नजर आए यहां पर कि जीत होगी समाजवादी पार्टी की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बोला कि वो बड़बोले मंत्री हैं। देखिए ये बड़बोले मंत्री तो हैं जी, अपने विभाग तो संभाल नहीं पा रहे, कुछ काम तो कर नहीं पा रहे और ये जनता के लिए शिक्षा रोजगार तो दे नहीं सकते हैं। अब केवल जनता को बस टायर टू में उलझाना चाहते हैं। और वहीं देखिए शिवपाल का गढ़ में प्रचार और क्यों अहम है वो आपको बताते हैं किस तरीके से रहेगा प्रचार। इटावा में सपा के राष्ट्रीय महासचिव का ताबड़तोड़ प्रचार, सपा उम्मीदवार ज्योति गुप्ता के लिए प्रचार करेंगे। डोर टू डोर शिवपाल यादव ने चुनाव प्रचार कर रहे हैं और शिवपाल सिंह का मुस्लिम इलाकों पर खास तौर पर फोकस है, मुस्लिम समुदाय के लोगों से घर घर जाकर वो मुलाकात कर रहे हैं। इदरीस अंसारी की बहू के बसपा से चुनाव लड़ने पर उन्होंने मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी से जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो बसपा से चुनाव लड़ रही हैं। अब शिवपाल यादव के करीबी रहे हैं काफी इदरीस अंसारी और सपा महासचिव शिवपाल यादव का गढ़ है इटावा और इटावा के जसवंत नगर से ही शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो इसीलिए गढ़ में प्रचार शिवपाल सिंह यादव का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रचार करते वो नजर भी आए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने वोट मांगने की अपील की, लेकिन समाजवादी पार्टी से जब टिकट नहीं मिला तो किस तरीके से बसपा से टिकट मिला है इदरीस अंसारी की बहू को। अब इसमें कहीं बड़ी चुनौती ना उनके लिए खड़ी हो जाए, यही वजह है कि शिवपाल यादव इतने एक्टिव नजर आ रहे हैं और शिवपाल यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं इदरीस अंसारी और सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव का गढ़ भी है इटावा और इटावा के जसवंत नगर से ही शिवपाल यादव विधायक भी हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी शिवपाल सिंह यादव किस तरीके से मुस्लिम इलाकों में लगातार प्रचार कर रहे हैं, खास तौर पर उस पर फोकस कर रहे हैं और इसी के दौरान ये तस्वीरें सामने आई हैं इटावा से जब शिवपाल सिंह यादव डोर टू डोर जाकर प्रचार करते नजर आए, बात करते नजर आए। अब देखिए यहां पर साख की लड़ाई है क्योंकि गढ़ है ये शिवपाल सिंह यादव का, यहीं से विधायक भी हैं शिवपाल सिंह यादव। अब ऐसे में यहां पर कैसे जीत सुनिश्चित करें
ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये नाक और साख की लड़ाई है और यही वजह है कि शिवपाल सिंह यादव यहां पर लगातार प्रचार में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। अब देख लीजिए एक बार इटावा नगर पालिका के उम्मीदवार कौन कौन है। कुसुम दुबे हैं भारतीय जनता पार्टी से, ज्योति गुप्ता सपा से हैं, ममता दुबे रालोद से हैं, गुलनाज बेगम निर्दलीय हैं, यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हैं। यहां पर देखिए इटावा नगर पालिका के उम्मीदवारों के जो चेहरे हैं वो हमने आपके टीवी स्क्रीन पर रखे हैं। देख लीजिए कुसुम दुबे, ज्योति गुप्ता, ममता दुबे और गुलनाज बेगम, ये चार प्रत्याशी मुख्य तौर पर लड़ाई में हैं नगर पालिका के इस चुनाव में। आगे बढ़ते हैं जहां कानपुर में भी शिवपाल, डिंपल और अखिलेश तीनों ही रैलियां करेंगे। कानपुर में अखिलेश यादव और डिंपल यादव की चुनावी सभा है। शिवपाल सिंह यादव किदवई नगर और गोविंद नगर में रैलियां करेंगे और वहीं तीनों नेताओं की रैलियों की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर दूसरे चरण का ये प्रचार है तो जल्द ही ये रैलियां होंगी। अखिलेश यादव ने चुनाव रैलियों के लिए मंजूरी दे दी है। 11 मई को दूसरे चरण में मतदान होना है, 9 मई तक का समय है और निश्चित है कि उससे पहले ही ये रैलियां होंगी। कानपुर में तीनों नेता अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और साथ ही साथ डिंपल यादव, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये मान रही है कि कानपुर में वो टक्कर दे सकती है। अब ऐसे में वहां पर जाना इन तीनों नेताओं का क्या रंग लाएगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट को रिपीट किया गया है, प्रमिला पांडे को रिपीट किया गया है। अब ऐसे में किस तरीके से समाजवादी पार्टी के तीनों नेताओं का वहां पर जाना क्या रंग लाता है वो देखना महत्वपूर्ण रहेगा। 13 मई को नतीजे, 11 मई को चुनाव और 9 मई को चुनाव प्रचार की अंतिम तारीख होगी और उससे पहले तीनों नेता कानपुर में जाएंगे, प्रचार करेंगे। और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी मोहम्मद फारिक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद फारिक, तीनों नेताओं का एक साथ प्रचार कितना रंग लाएगा ये तो जनता बताएगी, लेकिन कब होंगी रैलियां, कितने बजे होंगी, क्या कुछ समय डिसाइड हुआ है अभी तक? रैली की, अखिलेश यादव की रैली की तो अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से शिवपाल यादव ने इटावा में पिछले दो दिनों से डेरा डाला हुआ है, रामगोपाल के साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया और उसके बाद बराबर वो इटावा की गलियों में घूम रहे हैं, खास तौर से मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलना उनका जारी है। मोहम्मद फारिक, आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं मिल रही, बहुत ट्रैफिक का शोर आ रहा है, एक बार दुरुस्त कर लीजिए, मैं फिर आपके पास लौटूंगी। कुछ शोर आ रहा है, बहुत एम्बियंस साउंड आ रहा है, बताइएगा फिर। तो देखिए किस तरीके से तीनों नेताओं की रैली, हालांकि डेट अभी तक फाइनल नहीं हुई है लेकिन निश्चित है दूसरे चरण का प्रचार है तो 9 मई से पहले ही होगा। जो भी होगा, शिवपाल यादव, डिंपल यादव, अखिलेश यादव तीनों रैलियां करेंगे कानपुर में। कानपुर निगम की सीट वीआईपी सीट है और देखिए ये चार प्रत्याशी, ये इटावा नगर पालिका के उम्मीदवार हैं। देखिए इटावा नगर पालिका के ये उम्मीदवार हैं जहां पर शिवपाल यादव ने प्रचार किया, जो गढ़ है शिवपाल यादव का, उनके ये चार प्रत्याशी हैं इटावा नगर पालिका के। कुसुम दुबे भाजपा से, ज्योति गुप्ता सपा से, ममता दुबे कांग्रेस से, गुलनाज बेगम निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हैं। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने केस दर्ज कराया है लखनऊ के हजरतगंज थाने में। फोन पर दी गई जान से मारने की धमकी, चार अलग अलग नंबरों से कॉल की गई। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी के सरकारी मोबाइल पर अलग अलग नंबरों से कॉल करके जान से मारने की धमकी दी गई है और मुकदमा दर्ज करवाया है मंत्री नंदगोपाल नंदी ने। देखिए बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं नंदगोपाल नंदी, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया लखनऊ के हजरतगंज थाने में जहां फोन पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। और देखिए चार अलग अलग नंबरों से उन्हें कॉल की गई थी उनके सरकारी नंबर पर और उसी नंबर पर उन्हें अलग अलग नंबरों से कॉल आई, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी के सरकारी मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी गई है। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, ये बहुत गंभीर मामला है, जान से मारने की धमकी मिली है नंद गोपाल नंदी को और पुलिस ने क्या कार्रवाई की, पता लगा ये कॉल कहां से आया था? देखिए ये औद्योगिक मंत्री जी है नंद गोपाल नंदी, उनके जो सरकारी नंबर है सीओजी नंबर, उस पर ये फोन आया था और चार अलग अलग नंबरों से उन्हें कॉल की गई और ये कहा गया, हालांकि नंबर उन्होंने रिसीव नहीं किया, कॉल तो उनके जो सहयोगी उन्होंने रिसीव किया, पर ये कहा गया कि जान से मार देंगे और इसकी धमकी जब उन्हें लगातार मिली तब जाकर पहले पुलिस में उन्होंने शिकायत की, पुलिस ने इसकी छानबीन की, जांच की और उसके बाद ये मामला जो है वो दर्ज किया है लखनऊ के हजरतगंज थाने में, मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब जांच कर रही कि आखिर ये इस तरह का फोन करके धमकी देने वाले कौन है, उन्होंने वो नंबर भी दिए अपने एफआईआर में, दो जिन चार नंबरों से वो फोन आया था, हालांकि नंबर बाहर के बताए जा रहे हैं और उनका जो स्टाफ है उसने वो फोन उठाए थे, उसने पूरी जानकारी दी हुई है कि किस तरीके से कितने कितने बजे ये फोन उनको किया गया,
लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही हम कहें कि गंभीर मामला है। जिस तरीके से एक कैबिनेट मंत्री को फोन पर धमकी दी जा रही है जान से मारने को, उसके बाद जब पूरे मामले की जांच पुलिस ने की, देखा, तथ्यों को जांचा, फिर उसके बाद FIR अब दर्ज कर दिया। और इस मामले में पुलिस कह रही है कि जल्द जो भी लोग हैं नंबरों को ट्रेस किया जा रहा है और देखा जा रहा है। आखिर आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, जैसे कोई अपडेट मिले बताइएगा। धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए लखनऊ के हजरतगंज थाने में ये तहरीर दर्ज कराई गई है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की मेजबानी में पहली बार होने जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके लोगो, शुभंकर और एंथम जर्सी को लॉन्च करेंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले समारोह में केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी उपस्थित होंगे। सीएम योगी और अनुराग सिंह ठाकुर मशाल रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अगले 20 दिनों तक उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 4 मशालें घूमेंगी। इस रैली का हर जिले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वागत किया जाएगा। तो देखिए मेजबानी पहली बार कर रहा है उत्तर प्रदेश, पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जिसकी मेजबानी यूपी करेगा। मुख्यमंत्री आज लॉन्च करेंगे लोगो, एंथम और जो भी इसके इससे जुड़ी जो भी जानकारी सामने आ रही है वो यही है कि अनुराग ठाकुर भी इसमें शामिल होंगे। मशाल रैले को हरी झंडी दिखाई जाएगी, रवाना किया जाएगा। 20 दिनों तक उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 4 मशालें घूमेंगी। इस रैली का हर जिले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वागत होगा। तो देखिए ये पहली बार होगा जब उत्तर प्रदेश मेजबानी करने वाला है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि इसमें कौन कौन से गेम्स शामिल होंगे जो खिलाए जाएंगे। देखिए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसमें मौजूद रहेंगे, यूपी के खेल मंत्री भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और खेलो इंडिया गेम्स का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है 25 मई से देखिए। और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहली बार ऐसा होगा जब उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा इसकी मेजबानी करने वाला है। 25 मई से खिलाड़ियों का ये मेला शुरू होगा खेलो इंडिया गेम्स के माध्यम से, जिसमें अलग अलग खेल खिलाए जाएंगे और इसकी मेजबानी पहली बार यूपी की तरफ से की जाएगी। तो देखिए कई खास मेहमान इसमें मौजूद होंगे और आज खास कार्यक्रम है जिसमें लोगो, शुभंकर, एंथम और जर्सी का को लॉन्च किया जाएगा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगा ये समारोह जिसमें केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद होंगे, उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव इसमें शामिल होंगे और एक मशाल रैले को हरी झंडी दिखाई जाएगी। और अगले 20 दिन तक उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 4 मशालें घूमेंगी। इस रैली का हर जिले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वागत किया जाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।